Assalamu alaikum and welcome to my channel AHA Systems. Dear students, last video mein maine aapko most important questions as per your smart syllabus mark karwaye the chapter number 1 to chapter 5. Aaj hum mark karenge chapter 6 onwards kaun se questions most important questions hai aapke smart syllabus ke hisab se wo main aapko highlight karwaungi. Saath hi saath jo internal book mein jo topics most important topics hain wo main aapko bataungi. So let's begin par वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आपने. सो डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स के जो जो क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं, सबसे पहले उन्हें मार्क कर लेते हैं. या आपका विस्कस ड्रैग एंड स्ट्रोक्स लॉ इंक्लूडेड है, इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद आपका टर्मिनल वेलोसिटी इंक्लूडेड है. टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादातर न्यूमेरिकल टाइप में ही आता है, ठीक है. उस पर फ्लूइड फ्लो है, इसकी डेफिनेशंस हैं. उसके बाद आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है. फिर आपका आ जाता है ये बर्नोलीज इक्वेशन, ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है. उसके बाद जो एग्जाम्पल्स आपकी इंक्लूडेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एग्जाम्पल्स में से किसी भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना, उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ कर आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना. एग्जाम्पल 6.1, 2 और 3, ये तीन एग्जाम्पल्स आपकी इंक्लूडेड हैं. इन तीनों को बहुत अच्छे से आपने स्टडी करना है, ठीक है. उसके बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. मैंने एक और बात आपको बताई थी कि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समरी को लाजमी अच्छे से स्टडी कर लेना है आपने, ठीक है. अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.9 और 6.10, ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इंक्लूडेड हैं आपके सिलेबस में. अब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. और उसके अलावा वो जो मैंने आपको टॉपिक बताया इस चैप्टर का, वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल्स के हवाले से. मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको गाइड करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के नाम से, आपने लाजमी उस वीडियो को व्यू करना है. और कैसे आपको पता लगेगा कि कब अपलोड हो रही है वीडियो, ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो चैप्टर 7 ऑस्किलेशन पे आ जाते हैं. कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड है आपके, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है. इससे जो नेक्स्ट है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ये आपका इंक्लूडेड टॉपिक है. उसके बाद आपका आ जाता है फेस, ये ठीक है. फेस के बाद हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग, ये ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है पेपर्स में. और इसका जो छोटा सा साथ में डायग्राम बना हुआ है, इसको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना. उसके बाद आपका सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक. और फिर एनर्जी कन्वर्सेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये इंक्लूडेड टॉपिक है आपका. फिर फ्री एंड फोर्स्ड ऑस्किलेशन, ये इंक्लूडेड टॉपिक है. और जो एग्जांपल्स आपकी इंक्लूडेड हैं दैट आर 7.1, 2 और 3, ठीक है. तीन एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं और तीनों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको स्किप नहीं करना अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए. उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपके क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड हैं दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, सॉरी 7.8 भी है, 11, 12 और 13, ठीक है. ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉरी ये इंक्लूडेड क्वेश्चंस हैं. अब अगर हम बात करें इनमें से इंपॉर्टेंट की तो 7.11 आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. एक ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अलावा जो मैंने आपको टॉपिक बताया है उसके साथ आपका ये क्वेश्चन जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. न्यूमेरिकल्स के हवाले से अगेन वही बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूंगी. यूनिट नंबर 8 की तरफ आते हैं, वेव्स. वेव्स के चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं पहले वो साथ साथ मार्क कर लें. ये आपका इंक्लूडेड नहीं है प्रोग्रेसिव वेव्स ना, ये पीरियोडिक वेव्स इंक्लूडेड है, ठीक है. उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर, ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर का जो आपका फॉर्मूला है ना, ये आपकी जो फॉर्मूला की डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा.
उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इससे रिलेटेड ना न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है. मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स वाली वीडियोस में बताऊंगी, ठीक है? तो इसलिए आपने लाजमी व्यू करनी है वो वीडियोस को. अच्छा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं इंक्लूडेड आपका. इसके बाद आपका इंटरफेस भी नहीं इंक्लूडेड. फिर नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ जाए जो आपके बीट्स, ये बीट्स आपका इंक्लूडेड है टॉपिक. उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स भी नहीं इंक्लूडेड. फिर ये स्टेशनरी वेव्स इंक्लूडेड है, ठीक है? और इसी तरह से स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ये इंक्लूडेड है. ये सारे टॉपिक्स इस तरह के हैं कि आप इनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें ताकि अगर इनकेस आ भी जाते हैं तो आप अपने वर्ड्स में इनको लिख सकें, क्योंकि इसमें कुछ एज सच बहुत लंबा चौड़ा याद करने वाला नहीं होता, ठीक है? ये ज्यादातर न्यूमेरिकल्स के लिए ही होते हैं. उसके बाद ये जो आपका स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स है, ठीक है, लेमडा की वैल्यूज है. उसके बाद ये टॉपिक स्किप कर दिया गया है इस बार, डुप्लर इफेक्ट. अदरवाइज ये वाला काफी आता था पेपर्स में ना, डुप्लर इफेक्ट लाजमी स्टूडेंट्स करते थे. बस यही टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में से, और एग्जांपल्स जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4. चारों एग्जांपल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 8.3, 8.6 और 8.7 ये तीन क्वेश्चंस यहाँ से इंक्लूडेड हैं, और उसके अलावा होमवर्क में 8.10, ठीक है, ये वाला. और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये 8.10 ही क्वेश्चन है, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फिजिकल ऑप्टिक्स की तरफ. फिजिकल ऑप्टिक्स के कौन कौन से क्वेश्चंस और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर लेते हैं. वेव फ्रंट्स आपका इंक्लूडेड टॉपिक है. इसकी जस्ट डेफिनेशन को ओवरव्यू कर लीजिएगा. ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से स्टडी करना है आपने. उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स आ जाता है. फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आप समझ लें ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है? इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है ताकि अगर ये आ जाता है तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकें, ठीक है, ये डबल एक्सपेरिमेंट जो है. उसके बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं न्यूटन्स रिंग, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है आपका टॉपिक. ये न्यूटन्स रिंग्स इंक्लूडेड है, ठीक है. उसके बाद न्यूटन्स रिंग्स के बाद ये माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, ठीक है. और लास्ट जो टॉपिक इंक्लूडेड है, एक ये डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है और एक और ये डिफ्रेक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, ठीक है. ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये समझने वाले टॉपिक्स हैं और इनको अपने वर्ड्स में ही लिखा जाता है, ठीक है. इनको उस तरह से नहीं हम कह सकते कि बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट. ये डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है. इसको आपने इसके जो डायग्राम पे है उसको अच्छे से फोकस कर लेना है, ठीक है. उसके बाद आपका डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरेज ऑफ क्रिस्टल्स, ये वाला आपका टॉपिक इंक्लूडेड है. और जो एग्जांपल्स चैप्टर 9 में से इंक्लूडेड है दैट इज 9.1 एंड 9.2, ठीक है. दो एग्जांपल्स इंक्लूडेड हैं, दो एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है. उसके बाद अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 एंड 9.9 ये आपकी इंक्लूडेड क्वेश्चन है. और इनमें से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लें तो ये यंग्स एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, एक ये आपका आ जाता है. और उसके अलावा ये आपका ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.7, ठीक है, न्यूटन्स रिंग्स वाला. बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है. उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो पहले मार्क कर लें, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है. उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर. अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना. उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट की तरफ. नेक्स्ट कौन सा आपका टॉपिक है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है. उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी है. ये माइक्रोस्कोप वाले जो क्वेश्चन है, ये जो माइक्रोस्कोप वाले हैं ना दोनों, इनको आई सजेस्ट कि इनको जरा अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है. अक्सर होता है कि इन दोनों में से कोई एक आ जाता है. अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है टेलीस्कोप, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है. जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं वो साथ साथ बता रही हूँ, और जो इंपॉर्टेंट है उनमें से वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ. इसलिए गौर से सुने वीडियो और साथ में अपनी बुक्स और पेंसिल्स लेकर बैठें ताकि आप मार्क करते रहें. स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट है,
स्पीड ऑफ लाइट के बाद आपका इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं इनको उस तरह से मार्क नहीं करवाई. ये फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स ये आपने अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है. दिस इज योर इंपॉर्टेंट टॉपिक. और जो एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर में से दैट इज 10.1 एंड 10.2. किसी सूरत इन दोनों एग्जाम्पल्स को स्किप नहीं करना. आपने समरी को अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं. तो आपके जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं दैट इज 10.1, 10.2, 10.3, 4 एंड 10.6, ठीक है. और इनमें से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 10.1 और 10.2 है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में से, ठीक है. इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है. चैप्टर 11 की तरफ आ जाते हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है. हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इंक्लूडेड है, ठीक है. और उसके बाद फिर इंटरनल एनर्जी आ जाता है. ये आपका ये पूरा टॉपिक आ जाता है ना, इसमें गैस लॉस आ जाते हैं. गैस लॉस इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल एनर्जी, ठीक है. इंटरनल एनर्जी के बाद वर्क एंड हीट है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने गो थ्रू करना है, ठीक है. और इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हूँ. उसके बाद ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, और फिर रिवर्सिबल इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है. हीट इंजन स्किप्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और इसी तरह से कार्नट इंजन, लास्ट टॉपिक कार्नट इंजन का है, ठीक है. लास्ट कार्नट इंजन एंड थ्योरम, ठीक है. ये वाला आपका टॉपिक है. और जो एग्जांपल्स इस चैप्टर में से इंक्लूडेड हैं दैट इज 11.1, 11.2, 11.3 एंड 4, ठीक है. अब समरी को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जांपल्स को किसी सूरत स्किप नहीं करना. उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आ जाएं, ये चैप्टर अच्छा खासा लेंथी है लेकिन इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह काफी चीजें स्किप हो चुकी हुई हैं. आपका 11.1, 11.2, ठीक है. उसके बाद 11.5, 11.6, 11.5, 11.6, 11.7, 8 और 11, ठीक है. ये आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में से इंक्लूडेड हैं. अब इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लें तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. ये बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर्स में. और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. ये दो क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीन क्वेश्चंस इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसके अलावा ये जो 11 क्वेश्चन है इसको भी आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने चैप्टर 6 टू चैप्टर 11 बताए. प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 मैंने आपको गाइड किया था. इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूंगी, इसलिए लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है. और जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है तो उसके लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.